इस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में और वनडे एग्जाम में आपकी नॉर्मल पूछ लिए जाते हैं। हर साल आप देखते हैं कि कोई दिवस मनाया जाता है तो सिविल सर्विस में आप देखेंगे थीम पूछी जाएगी, लेकिन वनडे एग्जाम में आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाता है। जैसे पूछ लेगा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है, तो इनको आप याद रखिए और थीम को बड़े अच्छे से याद रखिए। पहली बार कब मनाया गया था इसके बारे में भी याद रखा करिएगा। चलिए पहले हम जान लेते हैं, बाद में और बात कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020, आप देखेंगे प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। कब? 8 सितंबर को। इस बात को बड़े गौर से देखिए, याद रखिए। थीम की बात करें अगर हम लोग तो 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस थीम कोविड-19 संकट और उससे परे साक्षरता शिक्षण एवं सीखना है। इसकी थीम क्या है? कोविड-19 संकट और उससे परे साक्षरता शिक्षण एवं सीखना, ये इसकी थीम है। मुझे लगता है कि याद रहेगा, कोविड जुड़ा हुआ है तो आपको आसानी से याद भी रहेगा। इसके बारे में और भी आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की घोषणा पहली बार 1966 में यूनेस्को की आम सभा में की गई थी। कब? 1966 में यूनेस्को की आम सभा में की गई थी। यूनेस्को के अनुसार दुनिया भर में 773 मिलियन वयस्क एवं युवा लोगों में अभी भी बुनियादी साक्षरता कौशल की कमी है, एक बहुत बड़ी संख्या होती है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने देश में राज्यवार साक्षरता दर वर्ष 2017-18 के लिए, जिसमें 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को शामिल किया गया था, ये आंकड़े जारी किए हैं। भारत में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें दौर के एक हिस्से के रूप में शिक्षा पर आधारित एक रिपोर्ट घरेलू सामाजिक उपभोग के संदर्भ में प्रमुख आंकड़े निम्नलिखित है। ये हैं आपके आंकड़े, देख लीजिए। यह रिपोर्ट जुलाई 2017 से जून 2018 तक किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है। इसमें आप देखेंगे 96.2% साक्षरता के साथ केरल एक बार फिर देश में सबसे साक्षर राज्य के रूप में उभरा हुआ है। 2011 की जनगणना के हिसाब से हम बात करें तो केरल नंबर 1 पर है। और कहा जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि जिस समय बाकी राज्यों में धर्म, जाति या एक अंधभक्ति के आधार पर चुनाव होते थे, वोट बैंक होती थी, उस समय केरल में आपकी शिक्षा, रोजगार, गरीबी और आप सोचिए महिलाओं की स्थिति, लिंगानुपात, इन पर आप सोचिए एक तरह से जोर देकर वोट होता था, पड़ता था। और आप सोचिए कि कहाँ कौन देश तरक्की करेगा, कौन राज्य तरक्की करेगा, आप बेहतर जानते हैं। दिल्ली में इस बार आप समझिए कि दिल्ली की जनता एक तरह से तरक्की, जब देखिए जनता की स्थिति ठीक होगी आप तभी कह सकते हैं कि वो राज्य की स्थिति ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये हालत आप देख सकते हैं। दिल्ली में भी काफी आपने देखा है कि सुधार हुआ है, और आपने देखा है कि क्या देखा है कि जो सरकारी स्कूल हैं उनका रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रहा है दिल्ली का, और दिल्ली की स्थिति आप जग जाहिर है। और बिहार को एक तरफ आप ले लीजिए, सबसे नीचे खड़ा हुआ है। वहां अभी चुनाव के लिए एक मुद्दा मिल चुका है आपका, सुशांत सिंह राजपूत, उसके नाम पर वोट मिलेंगे, उसी के नाम पर सरकारें बन जाएंगी। आप सोचिए बाढ़ की स्थिति भयानक आई हुई है, शिक्षा के मामले में आप मतलब महिलाओं की स्थिति का देख लीजिए, गरीबी देख लीजिए, इस तरह के मुद्दे चुनाव के लिए कभी नहीं उठते हैं बिहार में, इसीलिए आप देखते हैं गरीबी में बना हुआ है वो। विदेश में जबकि आंध्र प्रदेश में 66.6% की साक्षरता दर के साथ सबसे निचले स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार केरल के बाद दिल्ली की साक्षरता दर 88.7 है। इसके बाद उत्तराखंड की साक्षरता दर 87.6 है। हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर ये आपको 86.6 देखने को मिलेगी। असम की साक्षरता दर 85.9 देखने को मिलेगी। तो आपको सबसे याद रखना है पहले केरल और बाद में आंध्र प्रदेश, इन्हीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी इस आंकड़ों को आप लोग देख लीजिए, अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग सॉल्व करने की स्थिति में पहुंच जाए, लेकिन आपके क्वेश्चन ऐसी ही तरह के पूछे जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान 69.7% साक्षरता दर के साथ दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन वाला राज्य रहा। इसके बाद आप बिहार देखेंगे, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, अपने राज्यों की स्थिति देख लीजिए। चलिए बिहार कुछ आगे बढ़ा है, ठीक है। अखिल भारतीय स्तर पर पुरुष साक्षरता दर 84.7%, महिला साक्षरता दर 70.3% की तुलना अधिक है। आप समझिए कि अभी भी आप समझ सकते हैं कि पुरुषों और महिलाओं में कितना भेदभाव किया जाता है, इसी से आपको मालूम होना जाना चाहिए। सर्वेक्षण के अनुसार पुरुष साक्षरता दर सभी राज्यों में महिला साक्षरता दर से अधिक है। केरल में पुरुष साक्षरता दर 97.4% है, जबकि महिला साक्षरता दर 95.2% है। इसी तरह दिल्ली पुरुष साक्षरता दर
93.7% है, जबकि महिलाओं की स्थिति की साक्षरता दर की बात करें तो 82.4% है। यानी कि महिलाएं हर जगह असमानता है, लेकिन हाँ कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, गौरतलब है कि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में भी पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में काफी अंतर है। जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 73.4 है, जो महिला साक्षरता दर 59.5 से अधिक है। राजस्थान में यह अंतर और भी व्यापक है, क्योंकि वहां पुरुष साक्षरता दर 80.8% है और महिला साक्षरता दर 57.6% है। तो आप समझिए, आपसे अगर पूछ ले कि महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है, तो आप कहिए कि राजस्थान में। इस रिपोर्ट के अनुसार बात कर रहा हूँ। बिहार में आप देखेंगे साक्षरता दर आप देखेंगे पुरुषों की साक्षरता दर 79.7% है, महिला साक्षरता दर 60.5% है। यानी कि यहाँ भी आपको पुरुषों में ज्यादा साक्षरता दर देखने को मिलेगी। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि लगभग 4% ग्रामीण घरों और 23% शहरी घरों में कंप्यूटर है, और हम कहते हैं ऑनलाइन शिक्षा भी। आप समझ सकते हैं कि कितने लोग, मतलब आप सोचिए 4% ग्रामीण क्षेत्रों में ना के बराबर, और शहरों क्षेत्रों में 23% शहरी घरों में कंप्यूटर है। 15 से 19 वर्ष की आयु के लोगों पर किए गए सर्वेक्षण में पता लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 24% और शहरी क्षेत्रों में 56% लोग कंप्यूटर चलाने में सक्षम है। आप समझ रहे हैं। एक और याद रखिए हमेशा एक बात को, किसी परिवार को, किसी व्यक्ति को, किसी देश को, किसी राज्य को अगर तुम्हें विकासशील बनाना, विकसित बनाना है, आपको पावरफुल बनाना है, आगे बढ़ाना है, तो 2-3 काम करने होंगे। वहां की जनता को आप शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, रोजगार दे दीजिए। अगर ये सुविधाएं आप नहीं देते हो, कितना भी आप प्रयत्न कोशिश कर लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि आप सफल हो पाएंगे। आप अपने परिवार से ही ले लीजिए, आप अपने बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, तो आप समझिए बच्चे क्या कहाँ रह जाएंगे, भीख मांगते मिलेंगे। और यही आपके भारत में, हमारे भारत में देखा जा रहा है, समझ रहे। तो आपको किसी व्यक्ति को, वो कहा जाता है ना कि कभी आपको किसी की मदद करना है तो जैसे मछली एक दिन आप दे सकते हैं किसी गोदान में, 2 दिन दे देंगे, लेकिन बेहतर है कि आप उसे मछली पकड़ना सिखा दीजिए, कि एक तरह से वो खुद पकड़ेगा, खुद खाएगा और दूसरों को भी खिलाएगा। हो सकता है यही देखा जाएगा कि भारत, मतलब आप जो योजना लाके इनकी मदद करते हैं, आप इन्हें शिक्षा देंगे तो एक खुद अपने पैर पर खड़े होंगे और अपने परिवार को भी आगे बढ़ाएंगे, और आने वाली जो भी बच्चे होंगे उन्हें भी बेहतर शिक्षा दे पाएंगे, और आप सोचिए देश की विकास दर में भी अपना योगदान देंगे। तो इसलिए शिक्षा एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और शिक्षा इसलिए आप सोचिए नेताओं का एक काम है कि अगर आप शिक्षित हो गए तो आप जागरूक हो जाएंगे, आप पढ़े लिखे हो जाएंगे, तो आप सही गलत के नाम पर वोट देंगे, समझ रहे हैं। आपको मालूम चल जाएगा कि ये सही है, ये गलत है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे, वो तो यही चाहेंगे कि अंधे पैदा हो। लेकिन आप अपने बच्चों को पढ़ाना है, आपको अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, जिससे वो कम से कम सही गलत का फर्क तो सीख सके। ठीक है, तो ये था आपका एक तरह से साक्षरता। अब 2011 के आंकड़े भी आपको याद रखना है, ठीक है, जनगणना की। 2021 में जब जनगणना के नए आंकड़े आएंगे तब तक वो ही महत्वपूर्ण है आपके, तो उनके बारे में भी आप लोग विस्तार से आपकी बात कर चुके थे। स्पेशल वीडियो को IAS PCS के नाम से जो प्ले लिस्ट सूची है उसमें डला हुआ, ठीक है, वहां जाकर आप देखते रहिए।